Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to explain and solve exercise 2.3. Class 9, chapter name is polynomial, chapter 2. Okay. इसमें आपको इसके लास्ट वाले चैप्टर में जो हमें हमने टॉपिक जो हमें इवन एनसीईआरटी में अभी सॉल्व कर रही हूँ, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल. ओके, अब इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम और जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, इन दोनों में काफ़ी कम डिफरेंसेस हैं. उनको मैं उसके बीच का डिफरेंसेस को मैं क्लियर कर पाऊँगी. सबसे पहले जानते हैं कि ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है. तो रिमाइंडर थ्योरम अगर ऐसे कह लूँ मैं, तो रिमाइंडर का मतलब होता है जब हम किसी दो डिजिट को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद वो डिविजिबल नहीं होता तो कुछ ना कुछ हमें रिमाइंडर बचते हैं. सपोज दैट कि 15 डिवाइडेड बाई 2, जब हम इसे 2 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 2 7 14 एंड हमें रिमाइंडर के रूप में 1 बचा. कुछ ऐसे डिजिट होते हैं, सपोज दैट 15 के जगह पे ये 14 है, तो क्या हो जाएगा, हमारा ये रिमाइंडर 0 बचेगा. बस यही जो भी मैंने फर्क समझाया ना, यही है जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल एंड रिमाइंडर थ्योरम के बीच का फर्क. कि जब भी हम किसी वैल्यू को जब पुट करते हैं और वो वैल्यू अगर उसका रिमाइंडर 0 बचता है तो वो 0, ये हमारा हो गया 0 ऑफ द पॉलीनोमियल. एंड जब कोई रिमाइंडर बच जाते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम. ओके, ये सीधी सी सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है, बट आगे चलते हैं किताबी भाषा को लेकर के. ओके, रिमाइंडर थ्योरम विच इज लेट पी ऑफ एक्स बी ऑफ पॉलीनोमियल. क्योंकि यहाँ पे आपको सिंपली ये इसका एल्जेब्रिक एल्जेब्रा का यहाँ पे काम हो रहा है. द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हम डिवाइड कर रहे हैं और उनका रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं, वो या तो 0 हो या तो फिर कोई डिजिट के फॉर्म में हो अदर देन 0. ओके, तो इस तरीका से हम कैसे फाइंड करेंगे. और अभी तो सीख लिया कि 0 हमें करने के, यानी कि जब कोई भी जब हमें एक डिविडेंड और एक डिवाइजर दिया हुआ है तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट अगर डिवाइड हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, 0 ऑफ द पॉलीनोमियल. अगर वो डिवाइड नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, तो उसके लिए हमें थ्योरम जो अप्लाई करना पड़ता है वो है रिमाइंडर थ्योरम. तो लेट पी ऑफ एक्स बी ऑफ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर, मतलब कि जो पॉलीनोमियल है मान लेते हैं कि कोई पॉलीनोमियल उसका डिग्री 1 है या तो 1 से अधिक है. ओके, क्योंकि पॉलीनोमियल क्या है, एक्स प्लस 2 भी हमारा पॉलीनोमियल है, कोई सिंपल सा डिजिट है वो भी पॉलीनोमियल है. ओके, लेट अल्फा है ना, एंड लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर. कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो अल्फा यूज़ हुआ है वो कोई है क्या है, यहाँ पे अभी क्या किया गया, उल्लेख किया गया है कि अल्फा कोई रियल नंबर है. इफ़ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा, अगर वो पी ऑफ एक्स जो है वो अगर एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड की जाती है दैन द रिमाइंडर इज पी ऑफ अल्फा. तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, जो हमें पी ऑफ अल्फा की वैल्यू प्राप्त होगी वही उसका रिमाइंडर होगा. ओके, कहने का मतलब इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि पी ऑफ एक्स को पी ऑफ एक्स कोई डिविडेंड है और यहाँ पे जो आपका वो वाला फार्मूला था ना डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीपल में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर. ओके, यही वाला चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि वहाँ कहने का मतलब है ये वाला कोई ना कोई एक डिवाइजर है ना, ये डिवाइजर और ये हो गया कोशेंट और ये हो गया रिमाइंडर. इसे बस इस फॉर्म में लिखा गया. क्यों लिखा गया कि जब हम पी ऑफ अल्फा फाइंड करेंगे तो जो भी वैल्यू पी ऑफ अल्फा का फाइंड करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ या तो 1 2 3 कुछ ना कुछ रिमाइंडर जब हमें बचेगा तो उसको पुट करने से जो रिमाइंडर बचेगी, तो जिस वैल्यू को पुट करने से हमें रिमाइंडर बचेगी है ना, और उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बचे पी ऑफ अल्फा है ना. सपोज दैट जैसे ये ना ये एक्स माइनस अल्फा, तब एक्स इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा. यानी एक्स की वैल्यू एक्स के जगह पे हम ये दोनों इक्वल है ना, या तो एक्स पुट करो या तो अल्फा पुट करो, बात बराबर है. तो हम एक्स के जगह पे अल्फा पुट करेंगे और जब अल्फा पुट करने के बाद और उस वैल्यू अल्फा की वैल्यू पुट करने के बाद जब हम उस पॉलीनोमियल को जो डिविडेंड वाली पॉलीनोमियल होगी उसे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद लास्ट में हमें एंड में कुछ डिजिट बचेगी, उसी वही उस पॉलीनोमियल का क्या बचे होगा, वो रिमाइंडर होगा. अब वही चीज़ ये रिमाइंडर थ्योरम देकर के
मैथमेटिशियन ने एक इजी कर दिया हमें फाइंड आउट करना रिमाइंडर को, अदरवाइज लॉन्ग डिवीजन करो, लॉन्ग डिवीजन में भी वही चीज़ होगी बट काफ़ी टाइम की स्पेंडिंग होती थी। दैट्स वाई कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से कोई चीज़ फाइंड करना है तो हम इस फॉर्म से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो फिर एग्जाम्पल मैंने लिया है क्या कि पी ओ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर प्लस में थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये कोई पी ऑफ एक्स है यानी ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, बट ये किस पार्ट का पॉलिनोमियल है, डिविडेंड का पार्ट का पॉलिनोमियल है कि डिवाइजर की पार्ट का पॉलिनोमियल है। ओके, अब ये हमारे ये देखो मैंने जी ऑफ एक्स कहने का मतलब कि जी ऑफ एक्स इस फॉर्म में है एक्स माइनस अल्फा यानी अल्फा की जगह पे हमें टू डिजिट दिया गया है ना, यहाँ पे लिखा गया था कि कोई भी रियल नंबर तो यहाँ पर एक रियल नंबर दिया गया। अब हम रिमाइंडर थ्योरम जो कह रहा है उसको पुट करके यानी क्या कह रहा है कि जो रिमाइंडर देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ अल्फा यानी पी ऑफ अल्फा के बराबर जो भी वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होगा। चलो देखते करके ओके देन हम लिखेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो गया वी कैन राइट लाइक दिस कि एक्स इक्वल टू टू है ना। अब जहाँ जहाँ पे भी x है अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया ये p ऑफ अल्फा की जगह पे लिख दिया यहाँ पे p ऑफ 2 ओके देन 2 टू द पावर 4 प्लस में 2 मल्टीपल 2 टू द पावर क्यूब माइनस 3 मल्टीपल 2 स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 1। इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 प्लस में यहाँ पे भी अगेन 16 माइनस 2 2 4 4 3 12 एंड प्लस 1 प्लस 2 सॉरी प्लस 2 माइनस 1 ओके 16 प्लस 16 32 32 प्लस में 2 34 माइनस ये आ गए 13 माइनस करेंगे तब ये आ जाएगा 20 13 माइनस करेंगे सॉरी 21 तो इसका रिमाइंडर जब आप इसे फाइंड करोगे आप लॉन्ग डिवीजन से जब इसे फाइंड करोगे तो आंसर आएंगे 21 वो ही मैं लॉन्ग डिवीजन से करके दिखा रही हूँ। एक्स माइनस टू एक्स टू द पावर फोर प्लस में टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस ओके देन एक्स क्यूब आपको तो पता ही है अब मैं फटाफट करके सिर्फ आपको बता रही हूँ क्योंकि इसकी रूल बताने की जरूरत नहीं है। एक्स टू द पावर फोर एंड माइनस 2x क्यूब ओके माइनस प्लस ये कैंसल हो गए एंड ये 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर चलो अभी मैं दो ही यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ ये आ जाएंगे प्लस 4x स्क्वायर देन ये हो जाएंगे 4x क्यूब माइनस प्लस माइनस 4 टू ज 8 8x स्क्वायर ओके माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया और माइनस प्लस माइनस होगा बट ये जाएंगे 5x स्क्वायर ओके एंड नेक्स्ट स्टेप विच इज x अब मैं इसे मल्टीपल करूँ प्लस 5x तो 5x स्क्वायर एंड माइनस 5 टू ज 10x माइनस प्लस ये कैंसिल हो गए प्लस 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 होंगे ये आ गए 11x एंड माइनस में 1 ये आ जाएगा 11 से मैं मल्टी ये करूँ यानी प्लस 11 तो 11x एंड माइनस प्लस माइनस 11 टू ज़ 22 ये माइनस प्लस ये कैंसल हो गए माइनस प्लस माइनस होगा यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 21 आया यहाँ पे भी रिमाइंडर 21 आया बट इसे करने के लिए हमें इतना लंबा मेथड को अप्लाई करना पड़ा और यहाँ पे हमने कितने आसानी से कर लिया। तो इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसकी सॉल्यूशन करते हैं तो बहुत ही ईजी है। हाँ एक चीज़ और मैंने डिफरेंसेस तो बताया क्लियर नहीं किया था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहने का मतलब होता है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में ये हमारा जो अल्फ़ा है ये अगर सेम से कहूँ मैं तो अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो अगर जीरो आ जाती है तो उसे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं अब कोई रिमाइंडर बच जाता है तो उसे रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। अंडरस्टूड है ना कि अल्फ़ा में ये पी ऑफ अल्फ़ा बोल लो या ना पी ऑफ अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू पुट करने से अगर हमें लास्ट में एंड में जीरो मिलता तो ये वैल्यू जो हमारा होता वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है ना।
और ये पी ऑफ अल्फा की वैल्यू पुट करने से जो हमें जब कोई जीरो के अलावा कोई भी डिजिट हमें मिलता है तब हम उसे रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है। हाँ, एनसीईआरटी में कुछ ही क्वेश्चंस गिवन है प्रैक्टिस के लिए, आपके पास जो भी टीचर ने हेल्पिंग बुक जो भी आपके टीचर ने बताया होगा आप उससे प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज यहाँ पे काफ़ी कम क्वेश्चंस गिवन है। ओके, सॉल्यूशन फाइंड द रिमाइंडर वेन, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, इट मीन्स पी ऑफ क्यू एंड इतने सारे हमें जी ऑफ एक्स गिवन है, यानी कि कोई दूसरा इसका डिविडेंड गिवन है, तो हम पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स वो क्यू ऑफ एक्स। कभी कभी क्या होता है कि जी ऑफ एक्स जो फार्मूला यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंग हम जो डिविडेंड होते हैं उसके लिए पी ऑफ एक्स यूज़ करते हैं, डिवाइजर के लिए जी ऑफ एक्स, क्वेश्चन के लिए क्यू ऑफ एक्स एंड रिमाइंडर के लिए आर ऑफ एक्स। ओके, तो ये हमारा हो गया पी ऑफ एक्स जो कि गिवन है इज डिवाइडेड बाई, अगर इस ये है जो वन बाई वन करके एक एक करके इन सब के साथ जब वो डिवाइड किए जाएंगे तो उनका रिमाइंडर क्या होगा ये पूछा जा रहा है, और हमें यूज़ तो करना चूँकि एक वाली एक्सरसाइज जो है वो रिमाइंडर थ्योरम पे है तो रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 3x² प्लस 3x प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस में 1 एंड एक्स इक्वल टू हो जाएंगे माइनस 1। ओके, देन पी ऑफ माइनस 1 इक्वल टू फाइंड करते हैं माइनस 1 का होल क्यूब प्लस में 3 मल्टीपल माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीपल माइनस 1 प्लस में 1। आपको पता ही है जब भी पावर हमारे 1 ये जब 1 माइनस 1 हो तब भी कंडीशन बताती हूँ, ऐसे भी हमें कंडीशन जो है वो सबके लिए अप्लाई होता है कि अगर वो नेगेटिव में है और पावर हमारा अगर इवन में है तब हमारा आंसर जो है वो क्या आएंगे पॉजिटिव में आएंगे, अगर जो हमारा पावर है वो ऑड नंबर है तब वो हमारा जो ये उसके ये जब हम उसके इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे तो वो निगेटिव में होगा, तो ये ऑड में है दैट्स वाई ये वाली निगेटिव होनी चाहिए तब ये कंडीशन अप्लाई होता है। ओके, तब क्या आएंगे माइनस 1 एंड प्लस में इसका 1 आ जाएगा है ना, क्योंकि इसके पावर इवन है तो 1 से ये मल्टीपल होगा तो ये 3 पर 3 रह जाएगा एंड ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस 1 से 3 मल्टीपल होगा तब एंड प्लस में 1 विच इज अब ये 3 एंड प्लस 1 4, देखो ऐसे करते 1 से 1 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल है ना, ये इसका क्या रिमाइंडर आया 0 आया। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट विच इज एक्स माइनस पॉलिनोमियल, ये यही पी ऑफ एक्स सबका यही है, मैं सिर्फ यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिख रही हूँ विच इज एक्स माइनस 1/2 देन एक्स इक्वल टू 1/2 क्योंकि एफ निगेटिव है तो दूसरे साइड जा करके पॉजिटिव, तो पी ऑफ 1/2 इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब प्लस में 3 मल्टीपल 1/2 का स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीपल 1/2 प्लस में 1/8 ओके प्लस में 2 × 4 3 मल्टीपल 1/4 एंड प्लस में 3/2 प्लस में 1 ये हो गए 8, यहाँ पे 1 प्लस में 2 3 × 2 = 6 एंड प्लस में 4 × 4 = 12 प्लस में 1 ओके 6, 7, 8 एंड 20/8 2 × 4 = 8 2 × 4 1/4 8 4 × 4 = 12 और यहाँ भी तो होंगे 2 × 2 = 6 ओ सॉरी यहाँ मैंने 8 के आ जाएंगे ये 27/8 है ना, ये आ गए आपके 27/8। थर्ड पार्ट के लिए यहाँ पे मैं डालूँ थर्ड पार्ट विच इज़ ओ सॉरी मैंने तो पी ऑफ एक्स
रब कर दिया, मुझे फिर से लिखनी होगी, इट मीन्स एक्स क्यूब प्लस में 3x² प्लस 3x प्लस में 1, एंड यहाँ पे हमारा जी ऑफ एक्स विच इज, यहाँ तो जीरो दी एक्स दिया हुआ है, इट मीन्स जीरो प्लस में 1 विच इज एक्स इक्वल टू 0। हमें पॉलिनोमियल की जो जी ऑफ पी ऑफ एक्स हमें 0 पक्का करनी है, दैन पी ऑफ 0 इक्वल टू एक्स, हाँ एक्स के जगह पे 0, ये तो 0 हो जाएंगे, ये भी 0, है ना, क्या बचेगा हमारा 1, चलो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 विच इज 0, है ना। कहने का मतलब है जब भी इस फॉर्म में आपको गिवेन है, इसका मतलब है कि x प्लस में 0 है और उसकी वैल्यू हमें 0 पुट करनी है। नाउ नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पार प्लस पाई, देन एक्स इक्वल टू माइनस पाई, ओके, देन पी ऑफ माइनस पाई इक्वल टू माइनस पाई टू द पावर 3 प्लस में 3 इंटू माइनस पाई टू द पावर स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीपल माइनस पाई प्लस में, ये ऐसे ही आ जाएंगे आपका माइनस पाई क्यूब प्लस में प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा यहाँ पे, ओ सॉरी ये तो नहीं माइनस नहीं होंगे, ये प्लस में हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर, क्योंकि इसका पावर जो है वो इवन में है, दैट्स राइट, जब हम फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव आएगा, माइनस प्लस माइनस 3 पाई प्लस में 1, ओके ये हो गई इसकी वैल्यू। कन्फ्यूज़न की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, है ना, जो वैल्यू गिवन होगा, है ना, कन्फ्यूज़न ऐसा मत करना कि उसका पाई की वैल्यू पुट करके 22/7 करके आप सॉल्यूशन करने लगना, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, ओके। देन जी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 प्लस 2x, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू 5 जो है वो दूसरे साइड चला जाएगा, पहले तो ये माइनस 5 है ना, माइनस 5/2, देन पी ऑफ माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस 5/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 का स्क्वायर एंड प्लस में 3 इंटू माइनस 5/2 प्लस में, ये आ जाएंगे 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 1 माइनस 125 अपॉन में 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 प्लस में ये आ जाएंगे 3 मल्टीपल 5 5 ज़ा 25 25 3 ज़ा 75 25 3 ज़ा 75 एंड अपॉन में 2 2 ज़ा 4 एंड प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 5 3 ज़ा 15 अपॉन में 2 एंड प्लस में 1, सॉल्व करेंगे 8 माइनस 125 प्लस में 150 ये आ जाएंगे 4 एंड 4 15 ज़ा 60 एंड प्लस में 8, ये दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को भी प्लस करेंगे, ये रहा, तो इन प्लस वालों को पहले लिख दूँ 158 एंड माइनस में 185 एंड अपॉन में 8, माइनस प्लस करेंगे तो माइनस में ही आंसर आएंगे और ये आ जाएगा, माइनस करेंगे 185 58 7 2, माइनस 27 ये रहा इसकी फाइनल आंसर। इस तरीका से कुछ भी नहीं मैंने किया, बस हमने इसका इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड किया और उसे दूसरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है उस पर पुट कर दिया, पुट करके हमने जो फाइंड हुआ, जो लास्ट में एंड में आपके आंसर आते हैं वो उसका रिमाइंडर होता है, जीरो अभी तक आपने जो सीखा जीरो, तो उस डिजिट को कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और यहाँ पे जो हमें आंसर फाइंड करके आया वो हो गया उस डेबिट डिवाइड, मतलब अगर आप डिवाइड जानते हो नॉर्मली बचपन से ही सीखे हो तो उसका रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, है ना। यहाँ पे पी ऑफ एक्स ये हो गया और जी ऑफ एक्स ये हो गया, और हमें बोला जा रहा है कि क्या रिमाइंडर होगा जब इसे डिवाइड किया। रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर टू। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस में सिक्स एक्स माइनस ए एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस देन एक्स इक्वल टू ए, है ना। नेगेटिव था दूसरे साइड जा करके, जहाँ जहाँ पे भी हमें एक्स है वहाँ पे एक ए पुट करेंगे। दैन पी ऑफ ए इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए इन टू ए स्क्वायर एंड प्लस में सिक्स इन टू ए एंड माइनस ए, ओके। ए क्यूब माइनस, और इसका पावर वन है तो मल्टीपल का रिलेशन है तो पावर प्लस हो जाएंगे। ए क्यूब माइनस में हो गए सिक्स ए माइनस में प्लस ए, इससे ये कैंसल हो गया और इसे माइनस करेंगे आंसर विच इज फाइव, बहुत इजी है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, चेक वेदर सेवन प्लस में थ्री एक्स इज फैक्टर ऑफ थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन। फैक्टर ऑफ कहने का मतलब है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। फैक्टर करने का मतलब कि जब हम उसे जैसे फाइव जो है वो फिफ्टीन का फैक्टर है क्योंकि उसके रिमाइंडर जीरो आते हैं। जब भी रिमाइंडर जीरो आता है तो वो उसका फैक्टर होता है, अदरवाइज नहीं होता। ओके, देन पी ऑफ एक्स हमें ये गिवन है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही आंसर है पी ऑफ एक्स फॉर सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब प्लस में सेवन एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू सेवन प्लस में थ्री एक्स, देन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगे माइनस सेवन अपॉन में थ्री। और पी ऑफ माइनस सेवन अपॉन में थ्री इक्वल टू थ्री मल्टीपल माइनस सेवन अपॉन में थ्री का होल क्यूब प्लस में सेवन मल्टीपल माइनस सेवन अपॉन में थ्री। थ्री मल्टीपल, अब यहाँ पे नेगेटिव है दैट्स वाई नेगेटिव ही इसका पावर जो है वो थ्री, जो कि ऑड डिजिट है। तो सेवन सेवन जर ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन सेवन जर सेवन सेवन वन फोर्टी सेवन, वन फोर्टी सेवन अपॉन में थ्री थ्री जर नाइन, नाइन जर नाइन और नाइन थ्री जर ट्वेंटी सेवन एंड प्लस में आ गए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस सेवन सेवन जर फोर्टी नाइन अपॉन में थ्री। देन इसे 47 को फिर से मल्टीपल करूँगी तो ये निगेटिव में तो आएंगे ही, ट्वेंटी वन टू फोर हंड्रेड फोर्टी वन अपॉन में 27 एंड माइनस में 49 अपॉन। इनका एलसीएम लिया 27 ही आ गए, ये एज इट इज होंगे एंड ये नाइन, तो नाइन से 49 नाइन से इट मीन्स ये आ गए 882 माइनस एंड अपॉन में 27। अब यहाँ से देखती हूँ ये तो कुछ भी हो कैंसिल होने के बाद ये तो जीरो नहीं आएगा। जब तक ये जीरो नहीं आते है ना, इसकी वैल्यू अगर जीरो आता यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है ना। इसे अगर लोएस्ट टर्म में भी मैं कैंसिल करूँ तो ये जीरो नहीं आएंगे। जीरो नहीं आने का मतलब क्या है कि वो इसका फैक्टर नहीं है। क्या लिखेंगे, नो सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो, है ना। रिमाइंडर सिंस जीरो नहीं था जिसके वजह से ये जो है यानी ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर नहीं। जैसे कि सपोज दैट कह लो कि ये टू जो है वो 27 का फैक्टर है या नहीं, क्योंकि
क्योंकि जब आप उसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर वन बचेगी। ये वन बच रहा है इसका मतलब अदर देन वन जब भी रिमाइंडर बचते हैं, सॉरी अदर देन जीरो जब भी रिमाइंडर बचते हैं तो वो एक दूसरे का फैक्टर नहीं होता है, एक डिजिट का दूसरा डिजिट जो है वो फैक्टर नहीं होता है। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना।